तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं जो कि हमारे जौनपुर की काफ़ी उभरती हुई कलाकार हैं और काफ़ी अच्छी गायकी है। एक दो साल से मेहनत कर रही हैं और भगवान करें उनकी गायकी में चार चार लगे। आइए दिखाते हैं उनको थोड़ा सा कैमरा इसे करते हैं। तो कुछ लोग तो इनको पहचान गए होंगे, जो भाई इनको देखे होंगे स्टेज पे या गाते हुए। तो हम क्या बोले, अपना परिचय खुद देंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। मैं फिलहाल गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि अपने घर में रहें और काम अच्छे से किया जाए। मैं प्रीति प्यारी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। से काम नहीं चलेगा, अभी और आगे हम आपसे सवाल करते हैं। तो आपने जो करियर है गायकी लाइन कहाँ से शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, क्या रीजन था? देखिए ये हमारी पहले से ही बहुत बड़ी इच्छा थी, तो हम मौका चाहते थे। तो फिर हमारी मुलाकात हमारे गुरु जी अच्छी से हुई, फिर उसके बाद फिर गायकी करते करते उसके बाद हमारी मुलाकात हरीश भैया से हुई, तो उन्हीं के साथ हमारा लगातार सिंगिंग चलता रहा और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता है। चलिए बढ़िया है, भगवान से कामना है कि ऐसे ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो काफ़ी अच्छा, देखो हमारे समाज में, हमारे खासकर अपने यूपी बिहार में अगर देखा जाए तो लड़कियों को बाहर निकलना नहीं दिया जाता। तो जब आप गाने की इच्छुक थी, जब बाहर जा रही थी, मतलब गाने के लिए इच्छा जता रही, तो आपके घर वाले ने क्या रिएक्शन था उसमें घर वालों का? देखिए हमारे घर वाले असल में जो हम चाहते थे वही जब हम चाहते थे तो हमारे घर वालों ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी करने की इच्छा है तो तुम करो। देखिए अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो दुनिया की बातों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आज आपकी बुराई करते हैं वही कल आपकी बड़ाई करेंगे। जो आजकल आपको देखना नहीं चाहेंगे वही कल आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। आप अगर थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, लेकिन अगर आप खुद गिर जाएंगे तो कोई आपको इस जमाने में उठाने के लिए नहीं आएगा। सो आत्मनिर्भर बनिए और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि आगे आने वाले भविष्य में लोगों की ऐसी बातें ना सुननी पड़े कि हाँ कर तो रही थी लेकिन हुआ क्यों। तब हमें माने कि घर वाले पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है। तो आप आगे जो अभी लड़कियां इच्छुक हैं हमारे समाज में, क्योंकि गांव में उनको प्लेटफॉर्म कोई मिल नहीं पाता, छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए छोटी रहे या बड़ी रहे कोई भी, लेकिन अगर उनको अपने सपने को साकार करना है तो लगातार मेहनत तो करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है सभी लोगों को। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो अपने सपने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। सपने जो होते हैं वो जागते हुए दिखाई देने चाहिए, ना कि सोते सपने जो हम देखते हैं वो सच नहीं होते। जो जगती आँखों से सपने होते हैं वही होते हैं, वही हमारे सपने सच होते हैं। और इसको पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहत होनी चाहिए, जिद रहनी चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी काम किसी के लिए भी थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है। अगर हाँ शुरुआत में जो आप रास्ता चुनेंगे थोड़ा सा आपको जैसे थोड़े से कांटे आएंगे, कुछ लोग आपको बहकाएंगे, कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ लोग आपका मन दबाएंगे, लेकिन आप दुनिया की बातों से हटकर अपने गोल पे फोकस कीजिए। जब आप उसी गोल को पा जाएंगे तो जो लोग आपको नहीं देखना चाहते वही आपको देखेंगे भी, वही आपकी तारीफ भी करेंगे, वही आपको सुनेंगे भी। चलिए ठीक है, जो आपका प्रेजेंट टाइम में कुछ भी गाना तो होगा जो इसमें बज रहा है, अगर उसका दो चार बोल हो जाता है, मुखड़ा हो जाता है, आंद्रा हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ है मतलब आपका गाना तो आया होगा मार्केट में, जो गाना आपकी जुबान पे हो, जो गाना अच्छा खासा चल रहा है, थोड़ा सा अगर याद हो तो सुना दीजिए, अगर वो नहीं याद है तो कोई भी गाना अपने मन से अच्छा सा कोई सुना दीजिए। अच्छा कोई भी गाना हम सुना दें? हाँ कोई भी। हमारा गीत जो है अभी रिलीज हुआ है, बनारस से रिकॉर्डिंग हुई है, उसकी शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉन्च नहीं हुआ।
नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम वाणी दुर्गा लाल देवान आप सबके छोट भाई आप सबके पाँव छूके प्रणाम कर दूँ। और आज दुर्गा लाल देवान ब्लॉग्स में आप सबके स्वागत बा। और आज आप सबके मिलावे चलते उभरती हुई कलाकार, बहुत ही अच्छी कलाकार जो कि हमारे जौनपुर से ही बिलोंग करती हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करेंगे। उन्होंने करियर की शुरुआत कैसे की, कहाँ से की, कैसे किया और उनका आने वाला गाना क्या क्या सबको दिखाएंगे। तो आइए उन्हें रहिए स्टूडियो पे, दिखाते हैं चलते हैं, अब सब हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हाँ तो प्रीति, आप बहुत सुंदर गाते हैं, हमने तो सुना है, पर हमारे दर्शक लोग जो हैं, जो कुछ लोग तो शायद है कि नहीं सुने होंगे, इसलिए थोड़ा सा कुछ अगर याद है तो गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। माना कोई नहीं पूरु बवाना जय हो ये पिया, हाथ का बना के कुछ हो ना कोई हो ये पिया, ए पिया। माना कोई नहीं पूरु बवाना जय हो ये पिया, हाथ का बना के कुछ हो ना कोई हो ये पिया। बोलो के भी गणस मांगा नी नी यार तो चेता बदल किया के मजा मारल सर है पंगलिनिया, हो चेता बदल किया के मजा मारल सर है पंगलिनिया। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रीति ने कैसे गाया। और जिन भाई को कार्यक्रम करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क करें, इनका कार्यक्रम करें, या किसी भी भाई को डुएट गवाना है स्टूडियो पे तो भी संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और बहुत अच्छा प्रीति, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आप ऐसे ही जगमगाते रहो, उत्तर प्रदेश का नाम करो, बिहार का नाम करो। तो नमस्ते, विदा लेते हैं आप सबसे, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।